نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है, अगर सहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी गलती से खाना खाते रहें तो क्या इससे रोज़ा होगा या नहीं। ये मोहम्मद बाबर रशीद साहब हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि उन्हें सहरी के वक्त एक गलती हो गई थी। वो कल तकरीबन सहरी के एक घंटा बाद उठे और ये समझते रहे कि अभी फजर की आजान नहीं हुई है, सहरी में बहुत वक्त है। वो उठे और उन्होंने सहरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने दो नवाले ही खाए थे कि उनको वो याद आया कि मैं टाइम तो देख लूं। जब उन्होंने टाइम देखा तो उस वक्त तकरीबन सहरी को खत्म हुए एक घंटा गुजर चुका था, नमाज फजर हो चुकी थी। उन्होंने खाना उसी वक्त छोड़ दिया। अब वो पूछते हैं क्या इसी सूरत में उन्होंने रोजा रख लिया था, ये रोजा कबूल हो गया या नहीं। तो देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, सहरी के बाद जो खाना खाया गया है इसकी वजह से रोजा दुरुस्त नहीं हुआ। इसलिए इस भाई को चाहिए कि रमजानुल मुबारक गुजरने के बाद एक रोजा कजा का रखे। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।